नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जिन प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनको पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। ठीक है, हमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी है दूध से दही का बनना और ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भौतिक परिवर्तन है वह पानी में चीनी का घुलना, ए वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं कि भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। और जो भौतिक प्रक्रिया है यह अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। जैसे कि पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि बाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो भौतिक प्रक्रिया का सीधा सीधा मतलब है कि वह बदल तो जाती है लेकिन अगर उसका कारक हटा लें तो वह पूर्ववर्ती अवस्था में वापस आ जाती है। यानी यह कैसी प्रक्रिया है, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि जल का बाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, जल का बाष्प में परिवर्तन ये हमें बताना है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक और ऑप्शन डी जैविक। तो इसका जो सही आंसर है वह है भौतिक परिवर्तन, यानी पानी से अगर भाप बन जाए यानी जल से बाष्प बन जाए तो वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है लेकिन कारक हटा लेने पर पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। और जो जल है इसका वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर उसका भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घुलना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता। अर्थात जो रासायनिक प्रक्रिया है वह स्थायी होती है और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया, यानी रासायनिक प्रक्रिया में अगर एक बार कोई चीज बदल गई तो फिर वो अपने मूल रूप में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ए है रासायनिक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में और ऑप्शन डी अम्ल के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा के रूप में, यानी जल अपघटन में जो ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं कि जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं और इसमें जो ऊर्जा है यह ऊष्मा के रूप में निकलती है। आगे बढ़ते हैं कि पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है। ठीक है, पाश्चुरीकरण ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है दुग्ध के निर्जमीकरण से, ऑप्शन बी है दुग्ध के निर्जलीकरण से, ऑप्शन सी है दुग्ध के किण्वन से और ऑप्शन डी है दुग्ध के आसवन से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध के निर्जमीकरण से। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण, इसी को हम पाश्चुरीकरण भी बोल देते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। ठीक है, इस पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री से 85 डिग्री तक के तापक्रम पर रखते हैं, उसके पश्चात उसे
शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, जो पाश्चरीकरण है, पाश्चरीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर ने। इसका नाम रख दिया गया पाश्चरीकरण। आगे बढ़ते हैं कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए गैस में द्रव, ऑप्शन बी द्रव में गैस, ऑप्शन सी गैस में ठोस और ऑप्शन डी द्रव में द्रव। तो इसका जो सही आंसर है वह है गैस में द्रव, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं कि कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नजदीक स्थित वायु का तापमान ओशांक तक पहुंच जाता है, हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, एक ठोस से सीधा गैस बन जाना, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊध्वपातन, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है बाष्पन और ऑप्शन डी है उबलना। तो इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, यानी कोई भी ठोस है और ठोस से सीधा क्या बन जाए? गैस बन जाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। आगे बढ़ते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा बिना तरल अवस्था में आए सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊध्वपातन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी ऊध्वपातन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए आसवन, यानी ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए जो आसवन मेथड है यह उपयोगी नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में और ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो क्रोमेटोग्राफी होती है यह एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के काम में आती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ऑप्शन बी तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ऑप्शन सी लोहे पर भूरे रंग की परत बनना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो संक्षारण है इसके उदाहरण ये तीनों हैं, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये तीनों संक्षारण के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं कि वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सनई सनई यानी धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।